महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान में आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक सियासी हलचल तेज है। कल रात परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास छोड़कर मातोश्री पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे। आज आगे की रणनीति तय करेंगे, तो वहीं दो तिहाई विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। बाकी विधायकों के साथ कई और नाम जुड़ सकते हैं। तो वहीं आज बीजेपी भी राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में बड़े सियासी बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार के सत्ता में बने रहने की संभावना कम ही दिख रही है। ऐसे में मुमकिन है कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि पल पल बदल रही सियासत की सूरत ने महाराष्ट्र के भविष्य का खाका खींच दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सीएम हाउस पर शक खाली कर मातेश्वरी पहुंच चुके हैं। उनका ये फैसला ऐसे वक्त सामने आया है जब गुवाहाटी में बागी विधायकों के साथ बैठे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर ही दावा ठोक दिया। उद्धव के इस कदम की दो वजह मानी जा रही है। पहली वजह शरद पवार की वो सलाह जिसमें उन्होंने उद्धव से कहा था कि एकनाथ शिंदे को सीएम बना दो। दूसरी वजह एकनाथ शिंदे गुट का लगातार मजबूत होना, जिनके साथ जुड़ने वाले विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्यांना गायब केलेलं आहे, त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात, कारण मला कोविड झालंय। हालांकि सूत्रों का कहना है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में उन्हें इस्तीफा न देने की सलाह भी दी है। क्या एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। वही सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे ने दो तिहाई विधायकों के समर्थन का आंकड़ा छू लिया है। ने दावा कर रहे हैं कि उन्हें 46 विधायकों का समर्थन हासिल है। महाविकास अघाड़ी के समर्थन में 169 विधायक थे, जिसमें से 46 विधायक के बागी होने से ये आंकड़ा 123 पहुंच गया है। यानी सरकार अल्पमत में है, जो सरकार गिरने का सीधा संकेत है। इसमें पहले शिंदे ने 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को भेजकर खुद को विधायकों का नेता चुने जाने की जानकारी दी थी। वहीं देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में आज बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। बीजेपी राज्यपाल को विधायकों की लिस्ट दे सकती है और अपने विधायकों के साथ बैठक भी कर सकती है। बीजेपी के पास फिलहाल 106 विधायक हैं और उसे 7 निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन हासिल है। जो चल रहा है ये अंदरूनी मामला है शिवसेना का, उससे भाजपा का क्या लेना देना है? हम तो संपर्क में रखेंगे। सरकार गिराने की हम कोई कोशिश नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच ये भूमिका हमारी है। इस बीच महाराष्ट्र में जारी सियासी गतिरोध के बीच कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में मांग की गई है कि विधानसभा से त्याग पत्र देने वाले या अयोग्य ठहराए जा चुके विधायकों के चुनाव लड़ने पर 5 साल तक की रोक लगानी चाहिए। मुंबई से विशाल पांडे, अश्विनी पांडे और गुवाहाटी में पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईडी से 5 दिनों की पूछताछ के बाद एआईसी